और उधर सौरभ वाजपेयी की मौत के जिम्मेवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने बिष्टोपुर थाना में घुसकर हंगामा किया। इस उग्र रूप को देखकर पुलिस पदाधिकारी चैम्बर में जाकर दुबक गए। पुणे में पढ़ाई कर रहे मानगो टीचर्स कॉलोनी निवासी सौरभ वाजपेयी की कीनन स्टेडियम के पास 17 मई की रात रहस्यमय मौत हो गई थी। पुलिस सौरभ वाजपेयी की मौत को सड़क दुर्घटना बता रही है, जबकि परिजनों ने सौरभ की मौत को हत्या बताया है। वहीं मृतक के भाई ने मोहित विक के खिलाफ बिष्टोपुर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बावजूद पुलिस ने मोहित विक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे नाराज सौरभ के परिजन मंगलवार की रात बिष्टोपुर थाना का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए थाना के अंदर घुसकर उग्र आंदोलन किया। वहीं इन लोगों को समझाने आए पुलिस पदाधिकारी उग्र रूप को देखकर अपने चैम्बर में जाकर दुबक गए। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदारों ने बताया, एक्सीडेंट का मामला था। मैंने डेड बॉडी को देखते साथ बड़ा बाबू से कहा कि ये हत्या कर साजिश हमको दिखाई पड़ रही है, चलिए आप पोस्टमार्टम कराइए, हम इस घटना की जांच करेंगे। मुझे जब सारे क्लू मिले, आज मैं पुलिस की तरह एक एक क्लू को एसपी और थाना को दे रहा हूं। आज 18 तारीख की घटना, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये मंगाए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता रहा है कि ना इसको एक्सीडेंट कहा जा सकता है, ना ही इसको हत्या कही जा सकती है। किसी चीज से मार के, किसी चीज से चोट लगी है उसको, एक्सीडेंट है। आप गाड़ी देखे, आज गाड़ी देखे, उसकी डिक्की में खून कहाँ से आएगा? जे एक जूता तार में और एक जूता सुमो के अंदर कैसे आएगा? कि मेरे एक्सीडेंट गाड़ी भेजने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। ये पूरी घटना थाना का, मैंने इनको हर एक बिंदु पे एक पत्र बना के दिया। ये पत्र मेरे सामने है, मैं आपको दूंगा। मेरे छोटे भाई के पास जिसकी मौत हुई है, उसके पास 3 मोबाइल थे, 2 महंगे मोबाइल उसके पास रह गए और जो लोकल मोबाइल वो यूज करता था वो चोरी हो गया। जो 2 मोबाइल बचे भी, उसकी मेमोरी कार्ड सिम कार्ड निकाल दी, सारा मोबाइल फॉरवर्ड कर दिया। तो आखिर ये हत्या नहीं है तो क्या है? वहीं देर रात पीसीआर डीएसपी आर दयाल ने उग्र भीड़ को शांत कराया और 4 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।